आप देख सकते हो अजमेर शरीफ दरगाह से सरवार शरीफ के लिए गरीब नवाज सरकार के बड़े साहबजादे की बारगाह पे चादर पैदल निकल चुकी है। तो आप देख सकते हो चादर शरीफ में पैदल जाने के लिए लाखों की तादाद में पब्लिक उमड़ पड़ी। ये देखिए पैदल चल चल करके आ रहे हैं बाबा मस्तान लोग माशाल्लाह। तो देखिए इनको इस तरीके से लंगर करते हुए इनको स्वागत कर रहे हैं। खाजा की मोहब्बत में, खाजा फखर की मोहब्बत में ये बम्बई से आ रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है। ये देखो लंगर जारी है माशाल्लाह, गरीब नवाज की बारगाह पे जो जारी ख्वाजा आए हुए है जो पैदल चल के जा रहे हैं सरवार। हाँ। और इनके साथ ऐसा करिश्मा हुआ कि ये अपनी जबानी में बताएंगे तो अच्छा लगे हमें। सिलेंडर वगैरह की नालियां फट गई जी, सिलेंडर फट गए जी, टांगे वगैरह जली, टांगे भी सही सलामत है, जो वैसे भी देखे थे कुछ कहीं तो मतलब सिटी स्कैन में भी गुम्मत नजर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आपको पता है अजमेर शरीफ से गरीब नवाज सरकार के बड़े साहबजादे की बारगाह पे चादर शरीफ जाती है, तो कैसा क्या माहौल होता है अजमेर शरीफ में और किस तरीके से चादर जाती है और अभी उर्स का माहौल कैसा है और उर्स कितने दिनों को होता है और जो जारीन ख्वाजा पैदल जाते हैं तो वो कैसा माहौल है वो पूरा आपको दिखाएंगे और लंगर आम रास्ते भर में होगा तो वो भी दिखाएंगे कि कौन करवा रहे हैं और कितने समय से करवा रहे हैं। तो पूरा वीडियो कम नहीं देखना ताकि समझ में आए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं माहौल दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग दरगाह बाजार में पहुंच चुके हैं और दरगाह बाजार का काफ़ी खूबसूरत अभी प्यारा माहौल है आप देख सकते हैं। और अभी गरीब नवाज के बड़े साहबजादे का उर्स सरवार शरीफ में स्टार्ट हो चुका है और तो अभी आज जो चादर शरीफ जाती है गरीब नवाज की बारगाह से तो दरगाह के मेन गेट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक पूरी जाएगी और उसके बाद में किस तरीके से चादर जाती है कैसा माहौल है वो अभी अंदर जाके दिखाते हैं। अभी कैसा पूरी सजावट वगैरह हुई है और चादर निकलने का तो आप देख सकते हो पुलिस प्रशासन पूरा जाब्ता तैनात हो चुका है और अब चादर निकलने वाली दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मस्तान मलंग लोग अपना आ चुके हैं, धमाल करना शुरू कर चुके हैं और ये हर साल हर बार हर दरगाह हर जगह पे धमाल करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है बाबा मस्तान लोग धमाल करते हैं, करतब दिखाते हैं और बाबा ने देख सकते हो अपने गले के आर पार पूरा सरिया जो होता है उसको आर पार कर लेते हैं और आप देख सकते हो पूरा गले से सरिया आर पार कर लिया है और यहाँ पे खून इनके बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और ये कौन सा तिलिस्म है और कौन सी ताकत है ये तो मुझे नहीं पता, कई बार मैंने इंटरव्यू लेकर के इनका वीडियो डाला है, वो जा करके आप सर्च करके मिस्टर खान अजमेर पर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो बाबा मलंग लोग ये सारे जो परचम ले रखे हैं
तो ज़्यादातर अभी तो यहाँ से चादर को लेकर के जो जाएंगे, तो यहाँ से लेकर के रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, शामिल होंगे। उसके बाद में सारे मस्तान मलंग लोग पूरे रास्ते पैदल जाएंगे, जहाँ पर जगह जगह पर इन लोगों के लिए लंगर का और हर चीज़ की मेडिकल कैंप का पूरा इंतज़ाम खुद्दाम हज़रत करते हैं, जारी ने ख्वाजा फ़ख्र करते हैं। वो पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे जो चादर शरीफ आ रही है वो चादर शरीफ आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, कितनी ज़्यादा तादाद में ज़ारीन आए हुए हैं और ख्वाजा फ़ख्र के उर्स में शामिल हो रहे हैं। सुबह तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना खूबसूरत प्यारा माहौल हो चुका है। चादर शरीफ जाने वाली है, यहाँ पर कितने सारे परचम, कितने सारे बैनर है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से उर्स मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत प्यारी चादर शरीफ को लेकर के जा रहे हैं ख्वाजा फ़ख्र की बारगाह पे अजमेर शरीफ की दरगाह से। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ से चादर शरीफ को लेकर के जाया जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे उर्स की रस्म निभाई जाती है और इसी तरीके से उर्स मनाया जाता है माशाल्लाह। तो अभी बाकी पूरे रास्ते का भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा अलग से कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर चादर में लोग शरीक होते हैं रेलवे स्टेशन तक, और पूरा बताएंगे आपको किस तरीके से हमारे हिंदू भाई भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं, जो ये चादर शरीफ को लेके जाते हैं खुद्दाम हज़रात, तो किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं, जगह जगह लंगर करते हैं, शरबत करते हैं, हर चीज़ का इंतजाम करते हैं सारे मज़हब मिल्लत के लोग, वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। तो आप देख सकते हो लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो ख्वाजा फ़ख्र के उर्स में शामिल होने के लिए अजमेर शरीफ से पैदल जाते हैं। देखिए
तो कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। अब ये पूरी चादर शरीफ में शामिल होते हुए सीधा ज़ायरीन जो हैं रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, उसके बाद में पैदल चलना शुरू होंगे। तो फाइनली आप लोग देख रहे हो चादर शरीफ को अलम और परचम के साथ में लेकर के नाला बाज़ार में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आप नाला बाज़ार जो है पूरा वहां पहुंच चुके हैं, और यहां पे आप देख सकते हो यहां पर भी लंगर का इंतज़ाम करा गया है। ज़ायरीनों को देख सकते हो खीर तकसीम करा जा रहा है, मीठा चावल देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से अभी जगह जगह ये हमारे पूरा अजमेर शहर में कुछ इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। और अभी पूछते हैं अभी ये किन के जानिब से हो रहा है ये लंगर, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब जाति धर्म के लोग लंगर तकसीम करते हैं, और ज़ायरीन ख्वाजा को कुछ इस तरीके से जो पैदल जाने वाले हैं उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं अजमेर शहर के लोग, देख सकते हो हिंदू मुसलमान सब जाति धर्म के लोग। और फाइनली आप देख सकते हो दरगाह सॉरी नाला बाज़ार में हमारे जो सिंधी भाई हैं हिंदू भाई फूलों की बारिश कर रहे हैं ज़ायरीन ख्वाजा पर, आप देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर भी लंगर का इंतजाम है, यानी चाय का लंगर का इंतजाम करा गया है। तो कुछ इस तरीके से यार हमारे अजमेर शरीफ में उर्स मनाया जाता है, कुछ इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। देखिए बाबा मस्तान लोगों को, मलंग लोग जो पैदल जा रहे हैं उन लोगों को चाय हो, चाहे खीर हो, चाहे जूस हो, और चाहे फूलों से स्वागत करना हो, जो खुद्दाम हजरात इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। Oh,
तो आप देख रहे हो हमारे अजमेर शहर में कुछ इसी तरीके की खूबसूरती है कि हिंदू भाई फूल बरसा रहे हैं जायरीन पे और मुस्लिम भाई लंगर बांट रहे हैं। देखिए, चाहे बिस्किट का हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे फ्रूट हो, कोई भी लंगर हो, इस तरीके से यहाँ पर पूरे रास्ते में लंगर लुटाया जाता है। तो आप देख सकते हो 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा सफ़र तय करके अजमेर शरीफ दरगाह से चादर शरीफ को लेकर के यहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं मस्तान मलंग लोग। खादी मजरात पूरा पैदल चल के आए हैं रेलवे स्टेशन तक और इसके बाद में आगे का माहौल जो होगा वो आपको दिखाएंगे। ये मदार गेट के आसपास का सीन है, देखिए सुबह तो फाइनली चादर शरीफ को लेकर के रेलवे स्टेशन वाली दरगाह की तरफ पहुंच चुके हैं खुद्दाम हजरत। देखिए सामने परचम है पूरे बहुत सारे माशाल्लाह और फिर बैनर है, बैनर के बाद में चादर शरीफ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे उर्स को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे जुलूस की शक्ल पे यहाँ पर पूरा ये जुलूस की शक्ल पर पूरा चादर शरीफ को निकाला जाता है। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा पैदल जुलूस निकलता है अजमेर शरीफ में बाबा फकर के उर्स में जाने के लिए। चादर जो निकलती है कुछ इस तरीके से अजमेर दरगाह से निकलती है, सुभान अल्लाह। Thank you.
तो फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चादर शरीफ को लेकर के आ चुके हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पे एक दरगाह शरीफ है जहाँ पर चादर शरीफ को लेकर के आते हैं, फिर यहाँ से चादर शरीफ को लेकर के जाते हैं सरवार शरीफ के लिए, देख सकते हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह कितनी ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं और चादर शरीफ को यहाँ पर लेकर के, और यहाँ से फिर लेकर के जाएंगे सरवार शरीफ के लिए। अब चादर शरीफ यहाँ पे पेश हो गई है। अब शाम को 7-8 बजे तक मैं लंगर का माहौल दिखाऊंगा पैदल जाने वाले लोगों का। तो फाइनली आप देख सकते हो अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर लंगर का इंतजाम करा गया है। ज़ायरीन जो पैदल जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ढोल वगैरह लेकर के टेम्पो में भर भर के चादर पेश करने के लिए लेकर के जा रहे हैं ज़ायरीन। देखो बाबा लोग जा रहे हैं हमारे पैदल, ये देखो पैदल पैदल जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। मुंबई से? हाँ। और आप? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा दिल्ली। देखिए बाबा लोग पैदल चल चल के आए हैं और पैदल चल के जा रहे हैं। कितने बजे से चल रहे हो? 4 बजे से पैदल चल रहे हैं। और कितने बजे तक पहुंचने का इरादा है? कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़िया माशाल्लाह। ठीक है ये देखिए पैदल चल चल करके आ रहे हैं बाबा मस्तान लोग माशाल्लाह। तो देखिए इनको इस तरीके से लंगर करते हुए इनको स्वागत कर रहे हैं। चलो बेटा चलो लंगर। हाजी अली। अच्छा कहाँ से आए आप? हम गुंडी शिवाजी नगर। अच्छा छड़ियों का सरदार नाम हाजी अली। हाँ जाफर अली साहब। अच्छा अच्छा 15-16 साल से चल रहे 16 साल से माशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे आजाद? आज ये पैदल चल के आ रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा की मोहब्बत में, ख्वाजा फखर की मोहब्बत में ये बम्बई से आ रहा है। कोई कलकत्ता जा रहे हैं, कोई बंगाल जा रहे हैं, सरकार के दीवाने सब जगह मुल्क के हिंदुस्तान से सब जगह से आ रहा है। जी। सरकार की इश्क में इतने अंधे हैं कि ये नंगे पैर चलते हैं। जी। और 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सरकार की इश्क में ये नहीं देखते कि इनके पाँव में छाले हुए हैं क्या हुआ। दिल्ली से 562 किलोमीटर 13 दिन सफर अभी बनाया हूँ। सरकार सबको नवाजे मेरे मौला के करम, मेरे नादे अली के सके ताजदार मदनी मदीने वाले बेशक आलिया कादरिया में कबूल फरमाए। दम मदर बेड़ा पार। बेड़ा पार। बेड़ा पार। किस तरीके से इस्तीबाल कर रहे हैं आप इन लोगों का? लंगर खाओ लंगर खेल लंगर चलो। ये देखिए पैदल चल चल के आ रहे हैं उन लोगों को लंगर का इंतजाम करा जा रहा है। सुभान अल्लाह। देखो यहाँ पर ये देखिए सारे बाबा लोग मस्तान लोग आए हुए हैं और सबको लंगर का इंतजाम करा जा रहा है। अभी सबको बैठा के लंगर खिलाया जाता खिलाया जाएगा। ये देखिए बढ़िया है भाई। कमेटी रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा माशाल्लाह। देखिए उस कमेटी को चला रहा हूँ। अरे वाह। तो मतलब पैदल चलते हैं तो कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पड़ता है मोहर हमारा स्टाम्प। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ताजा ताजा लंगर माशाल्लाह दो, ये जायरीनों को खिलाया जा रहा है बैठा करके। क्या बात है माशाल्लाह। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह सैयद मुजाहिद चिश्ती साहब अपने हाथों से जायरीन जो आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं उनको लंगर दे रहे हैं और अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह लंगर हर जगह जा रही है यहाँ पर। देखो लंगर जारी है माशाल्लाह गरीब नवाज की बारगाह पे जो जारी ख्वाजा आए हुए हैं जो पैदल चल के जा रहे हैं सरवार शरीफ के लिए, उन लोगों के लिए लंगर का इंतजाम हर जगह इस तरीके से करा जाता है और इस बार भी करा गया है। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर और भी गाड़ी आई हुई है इनको गुआर गुआ करके यहाँ पे खिलाया जा रहा। देखिए यहाँ पे
चारों तरफ डेग रखी हुई है, चारों तरफ लंगर का पूरा इंतजाम करा गया है। देखिए जायरीनों के लिए, ये देखिए बैठा बैठा करके खिलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो मैं अजमेर शहर में मौजूद हूँ, और अजमेर शहर से जो जायरीन ख्वाजा फकर जो पैदल चल के जा रहे हैं, उनके लिए लंगर का इंतजाम करा गया है। जी क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे लंगर का इंतजाम करा गया है? और हाँ, के दीवानों के लिए लंगर पानी शरबत चाय और जो भी हो सकता है उसके जो है इंतजाम वो करते हैं। जी सरकार इमनाज की बारगाह से ये लंगर जारी है। जी तो कितने जनों की टीम है ये पूरा जो लंगर का आप इंतजाम करें? टीम बहुत बड़ी टीम है। जी मुस्तफिज अहमद चिश्ती उनके कन्वीनियर है। जी और सरकार इमनाज की बारगाह में ये सारा काम चिश्ती खाते हैं फाउंडेशन की जानिब से होता है। जी और सरकार के दीवानों के लिए आयोजन किया गया है, इसमें मेडिकल भी है और सरकार के दीवानों के लिए चाय कॉफी लंगर शरबत और सरकार का लंगर बिरयानी और तहरी जो भी सरकार के दीवानों के लिए बनता है वो सब ख्वाजा के दीवानों के दरबार में सामने लगाया है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लंगर कितने बजे चालू करते हैं आप लोग और कितने बजे तक चलता रहता है? ये पूरी रात चलता है, पूरी रात चलता है जब तक के गरीब नवाज के ख्वाजा फकर के जितने भी मेहमान लोग इधर से गुजरते हैं पैदल जाने वाले गाड़ी में जाने वाले सबके लिए जो है ये लंगर आम लंगर है जब तक पब्लिक आती रहेगी जब तक ये लंगर जारी रहेगा। जी कितने समय से लंगर चल रहा है और कितने मतलब आगे भी क्या करने वाले हैं आप? ये लंगर बहुत टाइम से चल रहा है जब से उरस मनाया जा रहा है, जब से ख्वाजा फकर वहाँ पे उनका मजार शरीफ है जब से वहाँ पर है जब से लंगर चला जा रहा है, इंशाल्लाह कयामत तक चलता रहेगा। बेशक इन सब चीजों का लंगर किया जाता है, जो जो पैदलियों को जरूरत पड़ती है उन सबका एहतमाम किया जाता है। जी कम से कम कितना आदमी यहाँ पे पैदल चलता है? कम से कम 1,00,000 के करीब जो है लोग पैदल चलते हैं सरकार के दीवाने, क्योंकि सब जगह से आते हैं हिंदुस्तान है। जी हजरत बोलिए। इसमें हिंदुओं का बहुत सहयोग है, ये तमाम जितने भी काम करे हैं सब हिंदुओं ने करे हैं। हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा पंजाब से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कम से कम 75% हिंदू है। अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। क्या नाम होगा आपका? सुरेश भाई। तो आप कितने समय से यहाँ पे लंगर में शिरकत ले रहे हैं? पचास साल। तो कैसा महसूस होता है आप जब ये लंगर कराते हैं या कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ जवाब नहीं दे सकते भी कैसा महसूस हो रहा है। कादरिया जो फाउंडेशन है जी जी उसी के तहत ये तमाम काम करते हैं। जी इसी में तमाम हिंदू मुसलमान सब जुड़ा हुआ है। जी इतनी खुशी महसूस होती है, हमें कुछ जवाब नहीं दे सकते, मतलब खिदमत एक कल के जारी है। खिदमत कर रहे हैं हमें थोड़े क्या दही बल्ले चाट, ये कि जो ये फाउंडेशन है ये आगे और क्या क्या काम करने वाली है? आगे इंशाल्लाह जो जो लोगों को जरूरत पड़ेगी जैसे बाद नमाज जुमा के बाद इस्लामिक कैलेंडर देना, पानी का एहतमाम करना, जो लोगों को जरूरत हो वो पूरा करना, और जो गरीब नवाज में आते हैं दरबार में उनको जिस जिस चीज की जरूरत है जिस जिस सहूलियत चाहिए उन सब से पूछ के उन सब की चीजों को पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सैयद फहीम चिश्ती। आपका? मेरा नाम सैयद मुजाहिद अहमद चिश्ती गद्दी नशीन ख्वाजा साहब। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? अम्बाला कैंट गाँव का नाम। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा एक और चीज जानना चाहूंगा कि जैसे ये आपसे जुड़े हैं या और भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? जी जितने भी सरकार के दीवाने हैं दरबार के चाहने वाले हैं जी सरकार के मानने वाले हैं जी इसमें की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ब्राह्मण जितने भी लोग हैं जो भी ख्वाजा के दीवाने हैं जी इसमें अगर योगदान करना चाहते हैं या शिरकत करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी भी शिरकत हो वो दरबार में इससे ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते। ठीक है अभी कितने दिन तक का और चलेगा और लंगर आम कब तक चलता रहेगा? 7 दिन और है। हाँ। क्योंकि आज 3 तारीख है जी 3 शाबान है और 9 शाबान तक जो है बड़े कुल की रस्म होगी। जी तो लंगर जारी रहेगा। इस लंगर की इतनी बड़ी फजीलत है कि जिस शख्स ने इस लंगर को जारी किया जी। वो कभी भूखा नहीं रहता जी और सरकार इमनाज की आता है कि हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन को दे दी रहमतुल्लाह अलैह जो कि हमारे जद हैं उनके हाथ में लंगर की डोर पकड़ाई जो आज तक कायम है जी। और मैं यही जानता हूँ कि जब बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जितने भी पहले बुजुर्ग थे उस टाइम बिजनेस नहीं हुआ करता था तो वो अपने धान में से एक हिस्सा
बुजगान दीन वली अल्लाह के दरबारों में भेजा करते थे जिससे कि लंगर जारी रहा करता था जी। और ये लंगर ऐसा वसी है जिससे कि जो भी करता है अल्लाह उसमें बरकतें देता है जी। ठीक है, हम यहाँ पे कम से कम 50 साल जा रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में पूजता है हाँ। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई रोल नहीं है जी। और हम दिल से मानते हैं, हमारे बुजुर्ग मानते हैं इस चीज को, और हम 50 साल से लगभग यहाँ पे आ रहे जुड़े हुए हैं जी। और हम गोश मांस के हाथ नहीं लगाते, मीट मछली खाते भी नहीं जी। लेकिन सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, और इतने साल से हम यहाँ दरगाह में बाबा जी के पास हाजिरी लगा रहे हैं। नानक साहब ने भी लंगर जारी रखा, बोल तो लीजिए उसके, क्या नाम बाबा जी का? गुरु नानक जी ने भी लंगर का भंडारा किया। दादा का नाम? हमारे दादा ख्वाजा सैयद नूर अहमद चिश्ती साहब के टाइम से आ रहा है, उनके टाइम से आ रहे हैं। अच्छा, कम से कम 70 साल हो गए इनको आते हुए, अभी राजू बाबा के पास, और अभी राजू बाबा के पास आते हैं और हमारे वंशों के पास ही ये रहते हैं। और सरकार हुजूर को इमनाज की मोहब्बत है, यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ मोहब्बत है जी। जो की हुजूर को ये वो दर है जहाँ पे बदल जाती है तकदीर। क्या बात है, जिस पर बदल जाती है तकदीर, जिसको ख्वाजा बना देते हैं उसको मिटने नहीं देते। आपके साथ हमारे लड़के हैं, ये छोकरे खड़े हमारे, हाँ दिल्ली में रहते हैं। भाई पंजाब से हूँ और मैंने एक बात सुनी है कि दीन की राह में जो जितना लुटाएगा वो उतना पाएगा। अरे वाह, क्या बात है, बेशक दीन पे मैं अपना पूरा घर कुर्बान करूंगा तो मुझे आगे उससे बड़ा मिलेगा, और मैंने अल्लाह की राह पे जितना लगाया उससे 50 गुना पाया है। बिल्कुल खाक था और ख्वाजा ने मुझे कहां से कहां बिठा दिया। क्या बात है, मेरे ख्वाजा ने मेरे दोनों हाथों से मेरे को लुटाने के लिए दिया और मैं दोनों हाथों से लुटाऊंगा। ख्वाजा वैसे ही मुझे देते रहेंगे और मैं लुटाता रहूंगा, बेशक। मेरा क्या है, ये ख्वाजा का ही खजाना है जो मैं दीन की राह पे लुटा रहा हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम योगेश्वर सिंह है। हम तो ये जा रहे हैं, अब ये तो लगा ही रहे गरीबों के लिए, बस्तर कम्बल लोही सोल वगैरह, और पैसे का भी लंगर लगाए, जितने पुके 1,500 दे उनको, गरीब आदमियों को बांटे जाए जी। तो सरकार हमारे को इतना नवाजे, इतना दे ताकि हमें रख रख के भूले जी। भाई गरीबनाथ की इतनी बड़ी अता है कि गरीबनाथ के ये दीवाने हैं और इनके साथ ऐसा करिश्मा हुआ कि ये अपनी जबानी बताएंगे तो अच्छा लगे हमें। जी जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? जैसे काम में हलवाई का काम करता हूँ जी, तो उसमें सिलेंडर वगैरह की नालियाँ फट गई जी, सिलेंडर फट गए जी, टांगे वगैरह जली है, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ जी। ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ जी, टांगे भी मेरी सही सलामत है, जो वैसे भी देखे तो कोई कहीं दाग तक नहीं टांग में। अरे माशाल्लाह, मतलब सिलेंडर फट गया खिदमत करते करते और फिर भी कुछ नहीं हुआ आपको? नालियां भी फटी हैं। अच्छा, और उसके बाद में बीमार भी हुआ, और तो क्या मेरी सीटी स्कैन है उसके अंदर भी सरकार का गुम बचा, अंदर से इतनी चाहत है। अरे वाह, सरकार जाने तो मतलब सिटी स्कैन में भी गुम्बद नजर आ गया। 8 तारीख से उर्स देखो, कब से कविता में सोया नहीं हूँ। अरे वाह, तो इस तरीके से खिदमत कर रहे हैं आप? इस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह। और किस तरीके से आप लोग क्या बोलते हैं उर्स मना रहे हैं? गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज के शहजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स मुबारक जैसे हर साल मनाए जाते हैं बारगाह में। पूरे सफर में एक सफर होता है 70 किलोमीटर के दायरे में हाँ। सरकार की बारगाह में सरकार के नाम पर हर जगह एक कैंप लगाया जाता है लंगर का, न्याज का जी। और ये हमारे चाचा हैं, मुझे चाचा जी की जानिब से हर साल गरीब नवाज के आशिकों को, जो लोग अजमेर शरीफ से पैदल सलवार जाते हैं जी, उनके लिए लंगर का अहतमाम किया जाता है जी। और सरकार गरीब नवाज इनकी खिदमत को जारी और सारी रखे, आमीन। और जितने लोग इस लंगर से जुड़े हुए हैं सरकार गरीब नवाज सबके रिस्क में बरकत, आमीन सुम्मा आमीन जी। मैं तो यही कहूँगा, ये प्रेम ऐसा प्रेम है जिसमें कि कोई अंतर अपने, नहीं अपने बगाने सब हाजिर होते हैं, मिलते हैं सरकार की बारगाह में दरगाह में। और ये जो धर्म भ्रष्ट करने का या ऐसा वैसा चक्कर कोई नहीं, 50 साल से आते हो गए, मैं अंडा मीट मछली दारू गोश्त मांस कुछ नहीं खाता पीता, और उसके बाद भी मेरे को कोई धर्म मेरा किसी ने भ्रष्ट नहीं करा। क्या बात है, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, ठीक हूँ, सरकार ने हाजिर लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये हाँ, रसूल पाक की है रोशनी गरीब नवाज, बेशक बाबा। रसूल पाक की है रोशनी गरीब नवाज, अली के दर से विलायत मिली गरीब। क्या बात है, बेशक बेशक, अली के दर से विलायत मिली गरीब, बेशक बेशक। गरीब जान के रुसवा किया जमाने ने, गरीब जान के रुसवा किया जमाने ने,
गरीब रहने ना देंगे कभी। बेशक सुभान अल्लाह गरीब। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ खरीद लिया अब हमको। आप है सरदार जन्नत साखिए कौसर भी है, लाज रख लो रोज महशर बस हमारी या हुसैन। बेशक बेशक। आप है इब्ने अली सिबते रसूल पाक है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे थे हमने तो खरीद के अनमोल कर दिया, आप कोई खरीदे तो हम किसी की खरीदारी नहीं हो सकती। जी बेशक। ठीक है बहुत बढ़िया। माशाल्लाह जगह जगह पे यहाँ पे चाय का लंगर और खाना वगैरह हर जगह खाने का लंगर चाय का लंगर इस तरीके से करते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, जो कि खुदा में ख्वाजा की जानिब से होता है।